भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। अब इस बिजनेस में एक और बड़ी पॉपुलर कंपनी ने कदम रख दिया है, जिससे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे को कड़ी टक्कर मिलेगी। चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दरअसल ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए यूजर्स अपने सामान और सर्विस के लिए पेमेंट कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट की यूपीआई सर्विस ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन की यूपीआई सर्विसेज काम करती है। फ्लिपकार्ट भारत के सबसे पॉपुलर शॉपिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, लिहाजा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हुए पेमेंट करने के लिए दूसरे यूपीआई का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब फ्लिपकार्ट के अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट करना यूजर्स के लिए काफी आसान हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर यूजर्स को हमेशा कुछ न कुछ ऑफर्स भी मिले। फ्लिपकार्ट ने अपने यूपीआई सर्विस के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है और अपनी इस सर्विस को एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप फ्लिपकार्ट यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इस ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। चलिए अब इसका प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। फ्लिपकार्ट यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके ऐप खोलना होगा। उसके बाद आपको होम पेज पर स्कैन एंड पे का एक नया ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको MY UPI का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपने बैंक का नाम चुनना होगा। उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे डालते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट UPI के जरिए पैसों की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट UPI के जरिए यूजर्स किसी सामान को खरीदने के लिए पेमेंट, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, पोस्टपेड बिल, मोबाइल रिचार्ज जैसे तमाम काम कर पाएंगे। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी में से एक पेटीएम आजकल मुश्किलों का सामना कर रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नियमों का उल्लंघन करने की वजह से बंद कर दिया है। ऐसे में फ्लिपकार्ट इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपनी यूपीआई सर्विसेज लॉन्च करके यूजर्स को पेमेंट का एक नया ऑप्शन दे दिया है। फ्लिपकार्ट की यूपीआई सर्विस 2022 के एंड में सबसे बड़े यूपीआई प्लेयर फोन पे के साथ फ्लिपकार्ट के अलग होने के बाद आई है। कंपनी ने बताया है कि कस्टमर अब @FKAxis हैंडल से यूपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट ऐप का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर और चेकआउट पेमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की नई सर्विस क्लाउड बेस्ड है, जो लोगों को एक शानदार एक्सपीरियंस देगी। वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।